Now we'll talk of four more standard formulas. तो standard formulae मतलब इनका क्या है कि ये formulas, ये जितने formulae हैं इनको हम derive कर रहे हैं और then इनका जो outcome है वो हम याद कर लेंगे. The first one is integral of tan x dx. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, I'll convert this into sin x upon cos x dx. तो अब हम अगर गौर से देखें तो cos x का differentiation sin x है और sin x का differentiation cos x है. पर substitution में हम लोग का rule क्या रहता था कि f dash x dx आना चाहिए, f dash x dx आना चाहिए. तो इसका मतलब हम cos x को क्या करें, t ले लें. तो differentiating with respect to x what will we get, minus sin x. तो dx would be dt upon minus sin x. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की जगह टी एंड डी एक्स की जगह डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स. तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ वन बाई टी डी टी. और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी माइनस एल एन मॉट टी प्लस सी. एंड वॉट इज टी, कॉस एक्स. तो माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी. अब ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया कि जब भी हमको टेन एक्स दिखेगा इंटीग्रल, आई कैन राइट दिस इंटीग्रल एज माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी. Another form of this could be कि हम ln cos x mod raised to power minus 1 plus c लिख दें. And this can be written as ln of 1 upon cos x and this is sec x. तो ln mod sec x plus c भी हम लिख सकते हैं. तो I can either use this formula or I can use this formula, one and the same thing. और ये किसके लिए हम लोग ने याद करना है, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स. नाउ बाकी रूल्स हमारे वही चलेंगे. अगर इफ वी हैव यहां एक्स की जगह कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव लेट्स से वी हैव इंटीग्रल ऑफ टेन टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स. तो वील रिमेंबर द फॉर्म ऑफ टेन एक्स. टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या था, माइनस लॉग कॉस एक्स. अब यहां पर क्या है, एल्जेब्रिक रादर लीनियर एक्सप्रेशन है. तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस एल एन कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री. एंड किससे डिवाइड कर देंगे, डिफरेंशियल ऑफ टू एक्स प्लस थ्री विच इज टू प्लस सी. तो बस हमको इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स याद रखना है. और उसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट में एनी लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स है अदर देन एक्स, तो बस उसके डिफरेंशिएशन से हम डिवाइड कर देंगे और एक्स की जगह वो लीनियर एक्सप्रेशन लिख देंगे. तो द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स. द सेकेंड वन इज इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स. नाउ दिस यू माइट बी नोइंग, अब क्या होने वाला है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स. इन दिस केस वील पुट साइन एक्स एस टी. तो डी टी अपॉन डी एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, देर फोर डी एक्स गिव्स यू डी टी अपॉन कॉस एक्स. सब्स्टिट्यूट कर दें, कॉस एक्स अपॉन टी एंड डी एक्स की जगह डी टी अपॉन कॉस एक्स. cos x is cancelled and we have 1 upon t dt. और ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ln t plus c. एंड t की जगह हम क्या यूज कर देंगे, sin x. तो ln sin x plus c. तो ये हमारा किसका इंटीग्रल आ गया, we have इंटीग्रल ऑफ cot x as ln sin x plus c. एंड सेम रूल अप्लाई होंगे जैसे हमने tan x में समझाया. द थर्ड वन इज इंटीग्रल ऑफ sec x dx. नाउ इन दिस केस व्हाट वी विल डू इज वी राइट दिस एज sec x एंड इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, बिकॉज दिस गेट्स कैंसल्ड और sec x ही रहेगा. नाउ इफ वी पुट sec x प्लस tan x एज t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, we'll get sec x tan x plus sec square x. So what do we get, dx is equal to dt upon, we can take sec x common, we have sec x and then we have sec x plus tan x. So dekhiye, ye to exactly wahi aa gaya jo hamare numerator mein present hai. So what we can write is sec x into sec x plus tan x whole divided by, I can write this as t. And then we'll have dt upon sec x plus tan x. ये पार्ट कैंसिल हो गया,
एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1 बाई टी डी टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एल एन टी प्लस सी, एंड वॉट कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ टी, sec x प्लस टेन एक्स. तो अब हमें क्या याद रखना है कि अगर हमें इंटीग्रल ऑफ sec x आएगा तो वॉट विल राइट, विल राइट दिस एज एल एन sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी. द लास्ट वन दैट विल डिस्कस वुड बी इज इंटीग्रल ऑफ cosec x dx. Now in this case also what we'll do, we'll manipulate cosec x, we'll write cosec x minus cot x whole divided by cosec x minus cot x. कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, सेम पार्ट है. Now if we put cosec x minus cot x as t and differentiate it with respect to x, तो क्या आएगा, minus cosec x cot x, एंड कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यानी प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो वी कैन मेक डी एक्स सब्जेक्ट, तो क्या मिलेगा डी टी, एंड वी कैन टेक कोसेक एक्स आउट, तो क्या बचेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड दिस इज प्रिसाइजली जो हमारे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो आई सब्स्टिट्यूट दिस, तो क्या आएगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में टी आ गया, डी टी अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू cosec x. This gets cancelled and we are left with dt upon t, which is your standard form, yani ln mod t plus c. Now t ki jagah hum kya likh denge, cosec x minus cot x plus c. To agar hame cosec x milega integral, to what we can write, integral of cosec x dx is ln cosec x minus cot x plus c. तो ये चार हमारे जो फॉर्म्स हैं ये हमें रिमेंबर करने, तो आई विल राइट दिस इन क्विक सक्सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन एक्स डी एक्स, टी हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी और एल एन सेक एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज एल एन साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज एल एन sec x plus tan x plus c, and integral of cosec x dx would be ln cosec x minus cot x plus c. So these four standard formulae और हमने derive कर लिए for our convenience. तो अब हमें जहां भी ये दिखेगा we can directly use these results without actually solving them. We can use these results. Now another form of writing this part, ये जो हमने लिखा है इसी को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. We can also write this as ln tan x by 2 plus c. कैसे, cosec x minus cot x can be written as 1 upon sin x minus cos x upon sin x. So this can be written as sin x as LCM 1 minus cos x. Now 1 minus cos x is 2 sin square x by 2, and sin x को half angle में करेंगे तो 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 and 2 gets cancelled, एक sin से एक sin गया, तो what is left, tan x by 2. तो you should remember this form also, because अगर question में ये form दिया है you can directly use this. Now let's take questions based on these formulas. So let's say we take the first question, and that is sine of 2x d of tan x. Now obviously ये वाला जो part है इसको तो हम पहले ही simplify कर लेंगे. D of tan x is what? Sec square x into dx. So what do I get? Sine 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x. And d of tan x is written as sec square x dx. So I can write this as 2 sin x into cos x upon cos square x dx. So cos x se cos x gets cancelled, 2 is taken out, and we are left with tan x dx. Or tan x ka to hume already pata hai kya hota hai. So minus 2 ln cos x plus c.
वुड बी आंसर. इन सच केसेस जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूव किए, इसको हमें प्रूव करने की एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली यूज दीज रिजल्ट्स. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. लेट्स से वी हैव इंटीग्रल ऑफ tan x, tan 2x एंड tan 3x. नाउ इन दिस केस ऐसा कोई फॉर्मूला हमें नहीं मालूम कि जिसमें हम tan x, tan 2x, tan 3x को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें. तो ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी थी तो वी ऑलरेडी नो कि हम इन जैसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं. ये प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सम या डिफरेंस में चेंज करेंगे. तो व्हाट वी कैन राइट इज tan 3x को क्या लिख सकते हैं, tan 2x plus x, और यहां tan a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 2x plus tan x अपॉन 1 minus tan 2x into tan x. नाउ इफ वी टेक द डिनोमिनेटर टू द लेफ्ट साइड तो क्या आएगा, tan 3x minus tan x tan 2x tan 3x is equal to tan 2x plus tan x. Now if we can make tan x, tan 2x, tan 3x as subject, तो क्या मिलेगा हमें, tan 3x minus tan 2x minus tan x. देखिए हमारा जो product है वो किसमें change हो गया, sum या differences में. तो I can write this expression as tan 3x minus tan 2x minus tan x dx. Now individually अगर हम इसे integrate करें तो तीनों का integration हमें पता है, बिकॉज हमारा जो आर्ग्यूमेंट ही बस चेंज हुआ है और वो आर्ग्यूमेंट भी लीनियर है. तो tan 3x का क्या होगा, माइनस एल एन कॉस 3x एंड आई डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट 3x का क्या होगा, 3 माइनस 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 प्लस एल एन कॉस ऑफ 2x एंड आई डिवाइड बाय द आर्ग्यूमेंट 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 एंड देन प्लस एल एन, ये तो कॉस x ही होगा, प्लस c. So this is your answer to this question. Now let's take another example on this. And we have, let's say, dx upon sine x minus a into sine x minus b. Now in jaise questions mein generally inka kaam karne ka tarika ek hi hai, yahan pe sine ki jagah cos ho jaye तो भी हम यही प्रोसेस करेंगे. व्हाट विल डू इज आई कैन राइट ए माइनस बी या बी माइनस ए इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी. चेक करिए, एक्स माइनस ए माइनस या एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अगर हम करें तो क्या आएगा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, वी गेट ए माइनस बी एंड ए माइनस बी तो कॉन्स्टेंट है. वी कुड ऑल्सो हैव यूज्ड बी माइनस ए, अगर हम x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट ही है. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज यू गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसका इंटीग्रल हम नहीं जानते. तो आई कैन राइट दिस इज साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी. नाउ आई विल राइट दिस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने साइड में करके दिखाया. व्हाट विल आई डू, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स. ए माइनस बी को हम यही लिख सकते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू इज एक्सपैंड द न्यूमरेटर. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे. व्हाट विल आई गेट, साइन ए, now this acts as a for me and this acts as b. So sin x minus b cos x minus a minus cos x minus b sin x minus a and I'll distribute the denominator in both the expressions. Sin x minus a sin x minus b and again sin x minus a sin x minus b dx. So यहां पे साइन एक्स माइनस बी गेट्स कैंसिल्ड, यहां पे साइन एक्स माइनस ए गेट्स कैंसिल्ड. तो व्हाट डू आई गेट, वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, दिस विल बी कॉट एक्स माइनस ए
माइनस कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इंडिविजुअली अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें दोनों का पता है, साइन ए माइनस बी। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स माइनस ए इज वॉट, एल एन साइन एक्स माइनस ए, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस ए तो वन ही होगा, तो कोई फर्क नहीं। माइनस कॉट का एल एन साइन एक्स होता है, एल एन साइन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन वन ही होगा, प्लस सी। आई कैन ऑल्सो फर्दर सिंप्लीफाई दिस एज वन अपॉन साइन ए माइनस बी एल एन मॉड साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी मॉड प्लस सी। नाउ फ्यू स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि हमने ऊपर साइन ए माइनस बी क्यों लिया, कॉस ए माइनस बी क्यों नहीं लिया। अगर कॉस ए माइनस बी लेंगे तो थिंक ऑफ इट, यहां पे कॉस कॉस आएगा एंड साइन साइन आएगा। तो व्हाट विल हैपन इज कि साइन साइन वाली दो टर्म्स तो कट जाएंगी डिनोमिनेटर से, लेकिन यहां कॉट कॉट आ जाएगा और फिर हमारे लिए वो प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई वी हैव टेकन साइन, क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारा एक एक एक्सप्रेशन कट रहा है एंड वी आर गेटिंग अ प्रॉपर इंटीग्रल नाउ। Now we take the next question, and we have, let's say, tan cube x dx. Now, अब जैसे हमने कहा था कि sin cube या cos cube होगा तो we'll convert them into triple angles, पर यहां हम triple angle में change नहीं करेंगे, because इतना आसान नहीं है triple angle में इसको change करना। Triple angle से tan cube को हटाना, क्योंकि फिर उसमें squares भी आएंगे, यहां पे हम वो advisable नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इज इसको ब्रेक कर लेते हैं, टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। नाउ ना टैन स्क्वायर एक्स का इंडिविजुअली हम कर सकते हैं, टैन एक्स का इंडिविजुअली कर सकते हैं, पर इनके प्रोडक्ट आ गया तो उसका हम नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू इज आई राइट टैन स्क्वायर एक्स एज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, लिख दें कोई फर्क नहीं, इंटू टैन एक्स डी एक्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई टैन एक्स टू बोथ द टर्म्स तो क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स माइनस टैन एक्स डी एक्स। एंड इफ यू लुक क्लोजली टैन एक्स का अगर इंडिविजुअली देखें तो हमें इंटीग्रल पता है, और यहां पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहा है, बिकॉज फंक्शन दिख रहा है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो व्हाट विल आई डू, दोनों को स्प्लिट कर देंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स माइनस टैन एक्स डी एक्स। यहां पे हम क्या करेंगे, टैन एक्स को लेट से टी लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स वुड बी डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। सब्स्टिट्यूट किया तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टी, टेन एक्स की जगह टी लिखा, एंड डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी हैव टी डी टी, और इसका तो सिंपली टी स्क्वायर बाय टू होगा, एंड टी स्क्वायर बाय टू इज वॉट टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। वेर एज इसका तो अभी हमने पढ़ी लिया माइनस एल एन कॉस एक्स, तो कंबाइनिंग द टू वी हैव टैन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑन दिस फॉर्मुलेस, वी हैव डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स होल रेस टू पावर हाफ। नाउ अ फ्यू स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि इसमें हम रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 माइनस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो, 1 माइनस कॉस एक्स हो, कोस एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स हो, टैन प्लस माइनस सेक एक्स हो। बट यहाँ पे एक तो स्क्वायर रूट है और दूसरा डिनोमिनेटर में है, और दूसरा रैशनलाइज करने से ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं। अगर स्क्वायर रूट ना होता तो हम इसे रैशनलाइज कर देते, तो व्हाट शुड वी डू। तो व्हाट वी डू इज डी एक्स अपॉन साइन एक्स को हम लिख लें कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स रेज टू पावर हाफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, वी आर यूजिंग वन प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या ले आएंगे, टू कॉस स्क्वायर, जो भी अंदर एंगल उसका हाफ करेंगे, तो यानी पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू होल रेज टू पावर हाफ। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट टू, तो बाहर हो गया वन अपॉन रूट टू,
एंड वी आर लेफ्ट विद dx अपॉन cos स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2. Now this thing can be written as 1 upon root 2, ऊपर जाके क्या बन गया, sec of pi by 4 minus x by 2. Now ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गया, sec x का तो हम जानते हैं, ln sec x plus tan x, और ये जो पार्ट है दिस इज लीनियर पार्ट, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, तो हम इसके डिफरेंशिएशन से बस डिवाइड कर देंगे उसमें, 1 अपॉन रूट 2 ln sec x, x की जगह क्या है pi by 4 minus x by 2 plus tan pi by 4 minus x by 2 mod plus c, and I'll divide this by pi by 4 minus x by 2 के differentiation से, तो वो क्या होगा minus half, तो your final answer will then become minus of root 2, ये root 2 से root 2 हो गया, तो minus of root 2 ln sec pi by 4 minus x by 2 plus tan pi by 4 minus x by 2 plus c. तो इस तरीके से हम लोग इन फॉर्मुलोज को एक्सप्लॉइट करते हैं.